खरीद केंद्रों पर आ रहे बाहर की गाड़ियों पर प्रतिबंध एवं खरीद केंद्रों पर गड़बड़ी पर लगाम लगाने हेतु दतिया कलेक्टर संजय कुमार का धान खरीदी केंद्रों पर किया गया निरीक्षण। इस दौरान दतिया कलेक्टर संजय कुमार द्वारा दिए गए कड़े निर्देश, उन्होंने कहा कि धान की खरीदी में इसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, दोषियों को जाना पड़ेगा जेल। जो जांच की है आपके द्वारा और खाद्य अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो सर आपने इसमें क्या कड़ाई बरती गई है और क्या कमियां पाई गई हैं? धान की खरीदी सुचारू चल रहा है, लेकिन बाहर का कुछ उत्तर प्रदेश से धान आने की शिकायतें मिली और फिर कुछ यहाँ पे व्यापारी लोग जो स्थानीय तौर पे ख़रीदा है वो भी हमारे उपार्जन केंद्र में पहुँच रहा है, ऐसी शिकायतें मिली है। और उसके बाद हमने यूपी से आने वाली कई गाड़ियों को जब्त किया है, उन पे FIR की है, उनके माल को जब्त किया है। और उसके अलावा हमने सारे केंद्रों पे अपने एक राजस्व का टीम लगा दिया है, बिना उनके वेरिफिकेशन के खरीदी नहीं होगी और अगर थोड़ा भी डाउट हुआ तो वो गाड़ियाँ पकड़ी जाएगी। तो सोसाइटी स्तर पे भी और बाहर भी जो यूपी के नाके हैं वहाँ पे चेक पोस्ट लगा दिए हैं, वहाँ पे पुलिस के लोग हैं, वहाँ पे सिविल के लोग हैं, तो इस प्रकार से चौतरफा लगाम लगा दिया है और उसका असर भी पड़ा है। और अब ये बाहर से आने वाला नहीं बिक रहा है क्योंकि जो अब लगभग सोसाइटीज़ पे अब आना बंद हो गया है। हमारे यहाँ अब खरीदी लगभग अंतिम तौर पर है और कहीं कोई अफरा तफरी नहीं है, कहीं कोई भीड़भाड़ नहीं है। थोड़ा बहुत जो खरीदी होगी अभी मेरा अंदाज़ा है एक आध हज़ार मीट्रिक टन और खरीदी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, तो स्थिति नियंत्रण में हो गया है। और इसके अलावा ये भी बता दूं कि अब तक जिन लोगों ने भी इसमें गड़बड़ी कर करके बेच दी है, हम उसका जो है पूरी जो है वो छानबीन करेंगे और पकड़े जा रहे हैं लोग जिनके पास जिन्होंने गलत पंजीयन करा करके और धान बेचा है, उनको एक एक को पकड़ूंगा और इसलिए पकड़ूंगा और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा ताकि आगे आने वाले सीजन में उनकी खुद से हिम्मत ना हो गलत पंजीयन करा करके धान बेचने की, इतनी कड़ी कार्रवाई करूँगा। मुझे लगता है कई लोग जेल जाएंगे इसमें।